Hello friends, nice to meet you again in our channel Literary Mind. Literary Mind welcomes you all. Please subscribe our channel. और एक खुशी की बात यह है friends कि now you can follow my page at Facebook. The Literary Mind नाम से page है. यहाँ पे आपको next coming videos की notification भी मिलती रहेगी. Plus कुछ कॉम्पिटिशन्स चलते हैं इस पेज में, तो आप जाके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो विन सम कैश प्राइजेस. ठीक है, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो. एंड आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, वी विल डिस्कस द पोएम, द मोक एपिक पोएम दैट इज द रेप ऑफ द लॉक. ओके, बेसिकली आज हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, जो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख ही सकते हो. ये पार्ट वन ऑफ द वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समरी के साथ साथ अगस्टन पीरियड और पॉप्स पीरियड या पॉप्स एज, अगस्टन एज, इसके बारे में बताऊँगा. तो फिलहाल इस वीडियो में क्या क्या कवर्ड है ये आप देख सकते हो. टॉपिक्स कवर्ड है, फर्स्ट है अबाउट अलेक्जेंडर पॉप, हिज अर्ली करियर, पॉप्स ऑडियंस, पॉप एंड वीमेन. ठीक है, ये जो रेप ऑफ लॉक है, रेप ऑफ द लॉक, ये रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है एंड दिस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द दिल्ली यूनिवर्सिटीज इंग्लिश ऑनर्स कोर्स. ठीक है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी नोवेल. ठीक है, और इनके जो एडिटर हैं वो हैं हैरियट रेगनोथन. इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाएगा, मे बी यहाँ पे है या नहीं है. ये रहा, यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखा हो गया है कि ये कौन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. हैरियट रेगनोथन टीचिस इंग्लिश इन जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी एंड इज द एडिटर ऑफ चौसर्स वाइफ ऑफ बेथ्स टेल. ये मे बी आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है, बट अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको वेरी वेल पता होगा, ये पढ़ भी चुके हो आप सेकेंड सेमेस्टर में. ठीक है, तो हैरियट रेगनोथन कौन है ये आपने पढ़ लिया, और ये एडिटर हैं इस बुक के. ठीक है, अब हम देख लेते हैं राइटर. ये रे अलेक्जेंडर पॉप, ये रे राइटर हमारे. ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे. ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा इंट्रोडक्शन है. वैसे जिसको बुक समझ नहीं आती उसको ये प्रेफर किया जाता है कि ये पार्ट आप स्किप कर दो एंड आप कंपेनियन के साथ आगे बढ़ जाओ. बट अगर आप सिंसियर हो टुवर्ड्स योर स्टडीज़ अ लिटल बिट, सो आपको ये पढ़ना चाहिए. तो इसमें है क्या, मैं अब बताने लगता हूँ. ठीक है, वीडियो क्योंकि लंबी होती जा रही है हमारी. तो व्हेन पॉप रोट द रेप ऑफ द लॉक ही वाज नॉट येट 24 इयर्स ओल्ड. मतलब काफ़ी छोटी उम्र में इसने जो ये रेप ऑफ लॉक था ये लिख दिया था. और सबसे पहली जो ये पोएम आई थी ना, ये आई थी इसके, हम पहले ना हम पॉप के अर्ली करियर के बारे में बात करेंगे. क्योंकि जो पॉप का अर्ली करियर था वो बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था, मुश्किल वाला टाइम था. ठीक है, काफ़ी कठिनाइयाँ थी इसकी, इसमें करियर में. तो जो ये पॉप था अलेक्जेंडर पॉप, ये काफ़ी गरीब फैमिली से था. ठीक है, मतलब पढ़ेंगे इसके बारे में. तो फिलहाल थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम इस रेप ऑफ लॉक के बारे में कि भाई ये कब लिखा था. तो ये जब 24 साल का भी नहीं हुआ था ना तब इसने ये लिखा था. और जो इसका बर्थडे था आफ्टर फर्स्ट कैंटो, मतलब फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस बुक जब पब्लिश हुई थी, फर्स्ट जो इसका पब्लिकेशन आया था, तो कुछ ही दिनों बाद इसका जो बर्थडे आया था पब्लिश होने के बाद. तो मतलब समझ सकते हो कि 24 साल का भी नहीं था और इसने एक ये एक फेमस काफ़ी मोक एपिक पोएम लिख दी थी. तो ये 20th May 1712 में आ गया था ये, और इसे 7 यूरो मिले थे इसको लिखने के लिए बुक सेलर के द्वारा. जो था पब्लिशर जो थे इनके, ये थे बर्नर्ड लिंटॉट. ठीक है, हु बॉट इट ऑन इन ही, ये जो है बर्नर्ड लिंटॉट, इसने इसको क्या करा, छह पोएम के साथ ये एक मिसलेनी के साथ लाया. मिसलेनी देखो क्या होता है, मिसलेनी कह सकते हो ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स होता है जिसमें
ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स का मतलब ये होता है कि सपोज अब दो कैंटो, अब सिर्फ दो कैंटो है, दो कैंटो कितना छोटा होता है आपको भी पता ही है, तो दो कैंटो तो कोई पब्लिश करेगा नहीं, है ना। अगर बुक बनानी है, बुक छापनी है, तो दो कैंटो तो कोई पब्लिश करेगा नहीं, तो इसने क्या करा, कुछ और भी चीज़ें डाली। तो क्या क्या डाली गई थी वो चीज़ें, इंक्लूडिंग हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ऑफ स्टेटियस द बेड एंड टू अ यंग लेडी विद द वर्क्स ऑफ वेचर प्रिंटेड इन दिस वॉल्यूम पेज नंबर 71 अकॉर्डिंग टू पोप्स अकाउंट ही वॉज। तो ये चीज़ें डाली गई थी, तो मिसलेनी पता हो गया, चल गया आपको। तो ये पब्लिश की गई थी फर्स्ट टू कैंटोस के साथ। आफ्टर दैट क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पोप्स अकाउंट ही वॉज रस्ट इन टू पब्लिशिंग द पोएम बिफोर। देखो इसने कहा था, बिफोर आई हैड एग्जीक्यूटेड हाफ माई डिजाइन इन ऑर्डर टू फोस्टल अ थ्रेट एंड अनऑथराइज पब्लिकेशन। देखो पहले होता ये था कि अगर आपने पब्लिकेशन नहीं कराई, पब्लिश नहीं करवाई अपनी बुक, तो कॉपी होने का डर रहता था, ठीक है। अगर कॉपी हो गया तो वैसे ही ऑथर बर्बाद हो गया, लिखने वाला बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि लिखने के पैसे मिलते थे। अगर वो पहले ही पब्लिश हो गई पायरेटेड कॉपी, तो फिर कौन खरीदेगा उसे, है ना। तो उसे डर था पॉप को, तो इसने इसीलिए इसने सिर्फ दो कैंटो लिखने के बाद ही जस्ट पब्लिश करवा दी अपनी बुक, ठीक है। वैसे ये बुक जो है फिलहाल 5 कैंटो में लिखी है, लिखी गई हैं, ठीक है। कुछ कैंटोस बाद में जोड़ी गई थी, हम पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। ड्यूरिंग 1713 ही वर्कड ऑन द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द पोएम एडिंग द मशीनरी ऑफ द सिल्फ। अब देखो सिल्फ एंड नो मेमोरियल, ये अगर कोई अगर न्यू है रीडर है तो उसे ये लगेगा कि ये हैं क्या चीज़ें। तो मशीनरी कह सकते हो, एक टाइप ऑफ टूल हैं जो कि इस्तेमाल की गई हैं इस पोएम में, या फिर एपिक में इस्तेमाल की जाती हैं। सुपर नेचुरल मशीनरी बोलते हैं उसे, ये इस्तेमाल की जाती हैं टू गिव इट एज अ एपिक कन्वेंशन फॉर्म, ठीक है। एपिक कन्वेंशन मतलब एपिक के दिख एपिक के जैसे दिखने के लिए, या फिर एपिक के जैसे लिखने के लिए ऑथर्स को क्या होता है, मतलब क्या करना होता है, मशीनरी का इस्तेमाल होता है करना होता है। गॉड्स गॉड्स जो हैं उनका जिक्र करना होता है अपनी नॉवल में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो अबाउट एपिक, व्हाट इज़ एपिक, एपिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो अजब उस टाइप की डेफिनेशन करेंगे हम कि व्हाट इज़ एपिक, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है कि मशीनरी का इस्तेमाल होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसमें सिल्फ की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, सिल्फ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एज वेल एज द केव ऑफ स्पिलिन एंड द गेम ऑफ एट ओम्बर, तो ये कुछ गेम के नाम हैं। ये जब आप नेक्स्ट वीडियो में जब मैं समरी बताऊंगा तो ये मैं चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, अभी हम करियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम फोकस हमारा करियर की तरफ रहेगा इसके। तो दिस एडिशन ऑफ द रेप वॉज पब्लिश ऑन 2 मार्च 1714, ये चीज़ें जब जोड़ी गई, तो ये कब पब्लिश हुई, 2 मार्च 1714 में, यानी कि 1714 में, अगेन बाय द लिंटॉट। लिंटॉट ने ही इसको पब्लिश करवाया, हु पेड ऑफ 15 यूरो। पिछली बार 7 यूरो मिले थे, इस बार 15 यूरो मिल गए इसे। द पोएम सोल्ड 3,000 कॉपीज इन 4 डेज, अ सेकेंड एडिशन वॉज इमीडिएटली अनाउंस एंड अ थर्ड फॉलोड इन जुलाई 1714। 1714 जुलाई में एक नई एडिशन आ गई फिर से। दस द रेप ऑफ द लॉ कंसोलिडेटेड पोप्स रेपुटेशन, तो मतलब इसने इसकी रेपुटेशन को बनाए रखा, विच वॉज इम्पोर्टेंट एज इस एज इट वुड बी द गेट वे ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसकी अच्छी नहीं थी, तो फाइनली इस टाइप का अगर कोई कदम उठाता है, मतलब इस टाइप से अगर किसी की नॉवल फेमस हो जाती है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए एक कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आता है, ठीक है। तो पोप हैड ऑलरेडी अट्रैक्टेड अटेंशन, हिज पेस्टोरल्स, कुछ इसने पोएम्स पहले भी लिखी थी जैसे 1709 में, और पब्लिश अलोंग साइड द एपिसोड ऑफ सर्पिडोन। सर्पिडोन अगर अगर आपने होमर इलियड पढ़ा है तो उसमें ये एपिसोड होगा सर्पिडोन का, उसने उसके ऊपर कुछ लिखा था। द एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में पब्लिश हुई थी। एस्टेब्लिश द यंग पोप एज अ वेल रेड मैन ऑफ टेस्ट एंड जजमेंट, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द इन्फीरियर पोएट ऑफ द डे, मतलब इसने इन्फीरियर जो पोएट थे उनसे अलग कर दिया पोप को, क्यों भाई पोप सही लिख रहा था और काफ़ी कुछ नाम कमा रहा था सोसाइटी में अपनी राइटिंग वर्क्स के लिए, ठीक है। हैविंग द सोन इन हिज क्रेडेंशियल्स ही कुड इन 1713 सोलिसिट सब्सक्रिप्शन टू। देखो अब अगर आपने कोई भी, अगर आपको नॉवल लिखनी है या फिर कुछ भी करना है आपको, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको ना सब्सक्रिप्शन अगर मिल जाता था कुछ लिखने के लिए तो बेटर रहता था। अगर आपने कुछ नॉवल लिखी और वो पब्लिश नहीं हुई, या फिर कोई और दिक्कत आ गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आपने जो समय यानी कि टाइम वेस्ट किया था
प्लस आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो उस टाइम पे किया ये जाता था कि सब्सक्रिप्शन ले लिए जाते थे कि भाई अगर ये बुक पब्लिश हुई तो ये बंदा पढ़ेगा, ठीक है। अभी भी होती हैं कई लाइब्रेरी में, अगर आप जाओ तो अभी भी होती हैं। तो ये ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती थी ऐसे मतलब पोएट्स को, ऑथर्स को, कि भाई हाँ इतनी कम से कम इतनी कॉपियाँ तो बिकी जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ये डी डोंट लीव हिम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, फिर भी इतनी फिलहाल तो इसका नाम चल गया था मार्केट में, तो इतना ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं थी कि किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर भी सब्सक्राइबर्स वर नेसेसरी, सब्सक्राइबर्स वर विलिंग टू कम फॉरवर्ड बिकॉज ही हैड मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। अब सब्सक्राइबर तो खुद ही आ रहे थे क्योंकि यार इसने नाम बना रखा था सोसाइटी में। दे पेड 6 guineas फॉर द प्रिविलेज ऑफ सपोर्टिंग अ मेजर वर्क एंड इन रिटर्न रिसीव्ड हैंडसम बाउंड ऑफ कॉपीज ऑफ द इलियड, और उनके बदले में, पैसे के बदले में इनको इलियड, जो मैं जो ये क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पॉप था, इसने इलियड की ट्रांसलेशन भी करी थी बट नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसलेशन नहीं था, इसने कुछ चीज़ें अपने आप से जोड़ दी थी इलियड में। इलियड का भी ट्रांसलेशन किया था इस बंदे ने। हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में अपनी थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, फिलहाल ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, सेकंड में मैं समरी बताऊंगा रेप ऑफ लॉ की। थर्ड वीडियो जो आएगी वो पूरा का पूरा अलेक्जेंडर पोप के ऊपर होगा, बाकी इस वीडियो में हम शॉर्टली अलेक्जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि ये अपना रेप ऑफ लॉ समझने में मदद करेगा। उसके बाद ये हुआ कि 1714 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स आने लगे रेप ऑफ लॉ के, रिविजन्स होने लगी, ठीक है। तो देखो अब क्या था कि ये पार्ट हम स्किप कर देते हैं, ज़्यादा मेन नहीं है। तो जो पॉप की ये सब्सक्राइबर से जो कमाई थी ना 4000 यूरो तक चली गई, जो आज के 1985 में ये कीमत कितनी थी 80,000 यूरो से 1,00,000 यूरो के बीच में 1985 में। अगर आप सोच सकते हो 2018 है अभी, तो कितनी वैल्यू मिल गई थी इसको अपनी बुक लिखने के लिए, या फिर जो भी था सब्सक्रिप्शन जो मिली थी इसको होमर इलियड के लिए। मोर केम इन फ्रॉम हिज ओडिसी ट्रांसलेशन, अब ओडिसी का भी ट्रांसलेशन करा तो और पैसे मिलने लगे इसको। तो मतलब अब पोप की लाइफ ऐसी हो चुकी थी, मतलब ऐसी हो चुकी थी इसकी लाइफ कि भाई ये बिना कर्ज के, बिना किसी प्रिंस के या किसी बड़े हस्ती के, बिना मदद के ये इंडेब्टेड लाइफ जी सकता था, बिना मतलब बिना किसी के पैरों तले अपना सर उठा के जी सकता था, आप कह सकते हो, ठीक है। पोप वॉज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, ही हैड सम जस्टिफिकेशन, नन ऑफ हिज मनी केम आउट। देखो इसे ना अपनी मनी पे प्राउड इसलिए फील होता था क्योंकि देखो उस टाइम पे वीग और टॉरी थे, वीग और टॉरी थे इंग्लैंड में, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी आप कह सकते हो। वीग किसी और मुद्दे पे लड़ती थी, टॉरी किसी और मुद्दे पे लड़ती थी, क्योंकि जो चार्ल्स सेकेंड था अपना, वो अपना लास्ट कैथोलिक मोनार्क था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ 1688 में ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ वगैरह वगैरह हुआ, तो मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी, राजाओं को हटाया गया, मतलब ऐसे ही, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल फिर से फोकस यहीं पे, लिमिटेड फोकस अपना। इट वॉज दे अ कॉमन वे ऑफ अर्निंग। तो देखो अगर किसी की दोस्ती विग और टॉरी पार्टी से अगर होती थी तो वो बंदा तो भाई कमाएगा ही कमाएगा, क्यों, ये इसके लिए अगर मान लो सपोज इसका फैन है तो इसके बारे में तारीफ करेगा कि भाई विग पार्टी ज्वाइन करो, विग को वोट करो या फिर टॉरी को वोट करो। तो सिमिलरली ये लोग क्या करेंगे, इसकी बुक को पब्लिश करवा देंगे, या इसकी बुक को पब्लिश छोड़ो, इसकी बुक को लोगों तक पहुंचा देंगे, तो मतलब ये ऑथर फेमस हो जाएगा। लेकिन पोप को खुशी थी कि इसने ऐसी कोई पैरवी नहीं लगाई, ठीक है, इसको इस बात की खुशी थी। कोर्ट पेट्रोनेज हैज डिक्लाइन आफ्टर चार्ल्स सेकंड, कोर्ट के जो पेट्रोनेज थी ये डिक्लाइन हो गई थी चार्ल्स सेकंड के बाद में, क्योंकि ये कैथोलिक था। नाउ पेट्रन्स हु वर मैन ऑफ टेस्ट एंड इंटीग्रिटी एंड डिडंट रिक्वायर टू बी फेड विद सॉफ्ट एडुकेशन ऑल डे लॉन्ग वर स्कर्स। पोप प्रेफर टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, पोप जो था इंडिपेंडेंट बनना चाहता था अपनी लाइफ में। तो बेसिकली ये बताया गया इसमें कि पोप ने, मतलब पोप कैसे इंडिपेंडेंट बनता चला गया धीरे धीरे। पोप हैड ऑलमोस्ट नो अल्टरनेटिव, देखो अब इसके पास लिखने के अलावा, राइटिंग वर्क के अलावा कोई चीज नहीं थी करने के लिए। अब ऐसा क्यों था, देखो पहले कैथलिक्स थे इंग्लैंड में, कैथलिक्स के बाद कुछ प्रोटेस्टेंट जो हुए, प्रोटेस्टेंटिज्म का शुरुआत हुआ, तो आफ्टर दैट ये कैथलिक्स को ना गिरा हुआ समझा जाने लगा, ठीक है, इनको गिरा हुआ समझा जाने लगा। तो उसके बाद तो इनकी जो कैथलिक्स थी इनकी बुरी हालत कर दी गई थी, आप देख सकते हो, आप ही
पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो हिज फादर वॉज अ लिनन ड्रेपर, लिनन होता है एक टाइप ऑफ फैब्रिक है कह सकते हो, सो ड्रेपर थे उसके, एंड वॉज एन ऑनेस्ट मर्चेंट, तो और एक मर्चेंट भी थे, और ये अपनी होलसेल करा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, एज अ कैथलिक पोप सफर्ड फ्रॉम सीवर डिसएडवांटेजेस। अब ये कैथलिक था तो इसको डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ी। कैसे कैसे डिसएडवांटेजेस, मैंने बताया था चार्ल्स सेकंड जो था अपना लास्ट वो था कैथलिक मोनार्क, उसके बाद तो इनकी कंडीशन ऐसी खराब हुई, आप देख ही सकते हो। पोप सफर्ड फ्रॉम सीवर डिसएडवांटेजेस, जैसे स्कूल मास्टर्स वर नॉट अलाउड टू टीच नोर बैरिस्टर्स टू प्रैक्टिस लॉ। अगर कोई स्कूल मास्टर ये होता था, क्या कहते हैं, कैथलिक होता था, तो उसे एंट्री नहीं मिलती थी भाई, ठीक है ना, ही तो बैरिस्टर्स को लॉ के लिए कुछ एंट्री मिलती थी, भाई तुम पढ़ा नहीं सकते, ना ही तो ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जा सकते। तो बेसिक से कहने की बात है, जो मतलब कैथलिक्स का बुरा हाल कर रखा था इंग्लैंड में, या फिर बुरा इनका जो कंडीशन था बहुत ही दयनीय, पिटीफुल कंडीशन थी यहाँ पे। डिनाइड ऑल द पोस्ट इन द पार्लियामेंट कह सकते हो, पब्लिक ऑफिस, एक घोड़ा तक नहीं खरीद सकते थे, नोट अपना अपना जो 5 यूरो का था वो ये नहीं खरीद सकता था, जबकि इसकी इनकम तो देख ही सकते हो आप कहाँ पे है, ईयरली 4,000 यूरो जब मिले थे उसको अपने सब्सक्रिप्शन पे, तो ये क्या 5 यूरो का एक हॉर्स नहीं खरीद सकता था अपने लिए, बट नहीं खरीदने दिया गया, क्यों, क्योंकि ये कैथलिक था। डिनाइड ऑल पोस्ट, ठीक है, टैक्सेस भी ज़्यादा लिए जाते थे, वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन थे, बाइंग लैंड लैंड भी नहीं खरीद सकते थे जल्दी, ठीक है, तो मतलब काफ़ी इनके ऊपर प्रॉब्लम्स थी, इनके ऊपर कैथलिक्स के ऊपर। और ये अलेक्जेंडर जो पोप है, राइटर है अपना, ये भी कैथलिक है एक, ठीक है, तो और इन पे और एक चीज़ ये करा जाता था, शक किया जाता था कि यार ये जेम्स सेकंड, देखो जेम्स सेकंड कौन था, इसके बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट थर्ड यानी कि थर्ड वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपनी ये बात जान लो कि कोई किंग था ये, ठीक है, तो ये जो हैं ये सपोर्ट, ये माने जाते थे कि कैथलिक्स जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं, मतलब आप देख ही सकते हो यहाँ पे, देर वर रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर इनहेरिटिंग और बाय लैंड। पोप्स फादर स्टेड इन बिनफील्ड वाज इन द नेम ऑफ हिज वाइफ्स प्रोटेस्टेंट नेफ्यूज फॉर दिस रीजन। तो मतलब अगर कहीं पे जमीन जायदाद ले भी रखी थी तो अपनी प्रोटेस्टेंट के, किसी प्रोटेस्टेंट के नाम पे दिखाना पड़ता था इनको, ठीक है, नहीं तो इनको इनके ऊपर शक किया जाता था। ये भी चीज हो गई हमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जैकोबाइट रिबेलियन ऑफ 1715, ये पढ़ेंगे हम अपनी थर्ड वीडियो में, ठीक है। दे माइट इजिली बी रिगार्डेड एज ट्रेटर्स, उन्हें ट्रेटर्स कहा जाता था। पोप नेवर एम्फसाइज हिज कैथलिक फेथ। अब ये देखो, अगर किसी के ऊपर ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं कैथलिक हूँ, नहीं बोलना चाहेगा, क्यों नहीं बोलना चाहेगा, मे भी कोई उसकी डेथ, मतलब डेथ ना कर, मतलब उसकी उसका मर्डर ना कर दे, या जो भी रीज़न हो सकता है, या फिर उसकी बुक्स ना पढ़े, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसे ये फाइनेंशियली स्टेबल इतना मतलब हुआ था, तो सिंपल सी बात है अपनी राइटिंग वर्क्स के लिए, अगर कोई इसकी राइटिंग वर्क्स ना पढ़े तो ये तो मतलब कुछ नहीं है फिर, तो इसलिए ये डरता था, तो ये कैथलिक फेथ को नहीं दिखाया करता था। बट इनकी वर्क्स में जो ये वर्क्स है, इसकी जो ये पोएम है, इसमें हमें दिख जाएगा एक दो जगह यहाँ पे जो इसकी कैथलिक फेथ थी इसकी दिखेगी, बट स्टिल नॉट एट दैट पीक वैल्यू, उस पीक वैल्यू पे नहीं दिखेगा, ठीक है। सम क्रिटिक्स नाउ थिंक दैट दिस सिंपथीज वर जैकोबाइट। पोप हिमसेल्फ वाज ऑलवेज डिस्क्रीट टू हिज कैथलिक फ्रेंड जॉन केराइल। देखो डिस्क्रीट का मतलब होता है ज़्यादा घुलना मिलना नहीं था इसका, इसका जो कैथलिक फ्रेंड था जॉन केराइल, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, मे बी कुछ रीज़न हो, ठीक है। इसकी जो ये क्या कह सकते हैं हम, जो मेंटल कंडीशन थी कि किस टाइप से लोग इसके ऊपर सस्पेक्ट करते थे या फिर कुछ भी, तो हम इसी लाइन में पढ़ सकते हैं। इसने एक लाइन लिखी थी, इन मॉडरेशन प्लेसिंग ऑल माई ग्लोरी वाइल टोरीज कॉल मी विक्स एंड विक्स अ टोरी। मतलब टोरीज वाले कहते थे मैं विक्स पार्टी से हूँ, और विक्स वाले कहते थे मैं टोरी पार्टी से हूँ। तो मतलब इसी से देखा जा सकता है कि किस टाइप की कंडीशन थी इंग्लैंड में। एट द टाइम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक पोप वाज ऑन गुड टर्म्स विद मैन ऑफ बोथ पार्टीज। अब जब ये रेप ऑफ लॉक लिखा था तो विक्स से भी इसके कुछ फ्रेंड्स थे, और टॉरी टॉरी जो पार्टी थी कि इंग्लैंड की, उससे भी इसके कुछ फ्रेंड्स थे। तो बेसिक सी बात है कि भाई पब्लिकेशन वगैरह में तो दिक्कत आनी नहीं थी इसको, ठीक है, बट स्टिल ये अपोजिशन में था टू वेल्ड पोल्स विग गवर्नमेंट। विग गवर्नमेंट में इसको कुछ कमी दिखी थी, वो था करप्शन, कि भाई ये करप्ट है, ये जो विग पार्टी है वो करप्ट है, बट स्टिल इसके फ्रेंड्स है उसमें कुछ, तो ज़्यादा फिर भी ये ज़्यादा कुछ नहीं कहा करता था उनको, मतलब हाउ एवर हिज पोज वॉज दैट ऑफ अ मैन ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्च्यू। मतलब ये ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता था किसी से, काम चलाओ, है ना, काम चलाओ वाली बात हो गई, कि मिल गया कोई तो ठीक है। द लास्ट पेन फॉर फ्रीडम, नोट स्पोकन, द
देखो इसने जो अपना पेन, यानी कि जो अपना पेन था, इसने अपने फ्रीडम के लिए इस्तेमाल किया, ना ही तो किसी पार्टी के लिए लिखने के लिए कि भाई ये विक पार्टी अच्छी है कि ये टॉरी अच्छी है कि ज्वाइन कर लो। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं करा है अपने रीडर्स के बीच में, इसने कोई गेम नहीं खेला ऐसा, इसने अपने फ्रीडम के लिए लिखा। इन हिज लेटर कैरियर ही मेड मैनी एनिमीज इन द लिटरेरी सर्कल। अब इसी के चक्कर में मान लो इसने ये कहा होगा कि तुम विक्स का सपोर्ट करो और तुम एक बुक लिख दो मेरे ऊपर, तो इसने नहीं करा, तो इसके कुछ एनिमी बन गए लिटरेरी सर्कल में, बट इससे इसका कोई ज़्यादा घाटा नहीं हुआ, या फिर कह सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये इतना नाम कमा चुका था सोसाइटी में कि अगर इसके वर्क को कोई कंट्रोवर्सी भी इसके वर्क में पैदा होती थी या कोई इसे बदनाम भी करना चाहता था, तो लोग इसे ज़्यादा पढ़ते थे कि ऐसा क्या लिख दिया इस बंदे ने कि अचानक लोग इसके बारे में बुरा बोलने लगे। तो इनडायरेक्टली इसकी वर्क्स जो थी अच्छी पाई जाती थी और फाइनली और फेमस हो जाती थी, तो मतलब ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चलो आ जाते हैं हम पॉप्स ऑडियंस के बारे में। तो पॉप्स की अगर ऑडियंस की बात करें तो देखो इसमें ज़्यादातर ये बताया गया कि देखो लाइसेंसिंग एक्ट जब तक जब हटा दिया गया इन 1695, अबाउट 20 बुक सेलर से कितने बुक सेलर हो गई, 70 बुक सेलर्स हो गई 1720 तक में इंग्लैंड में। तो मतलब अब लोग क्या थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर कोई अब देखो दैट इज़ वाई राइटर्स, देखो टू मैनी ही सीम टू टू देखो कहाँ है कहाँ 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 है, मतलब कोई भी ऐसे ही अब लिखने लगता था कुछ भी इस टाइम में, क्योंकि यार इतनी बुक सेलर्स हो गए, इतनी बुक सेलर्स की दुकानें खुल गई, पब्लिशिंग होने लगी इतनी चीज़ों की, मतलब कोई भी कुछ भी लिखने लगता था। बट जो पोप था, दैट इज देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज वाई राइटर्स लाइक पोप आर सो कंसर्न टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द बैड राइटर्स। अब बैड राइटर्स से इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी था, तो बेसिकली हो ही जाते थे अपने वर्क्स के द्वारा, ठीक है। और कुछ को जो जो अब देखो जो पेड मतलब पे होता था वो बहुत ही कम होता था, पे ऐसा होता था कि भाई तुम्हारा किराया किराया निकल जाए, और ये टट्टू नहीं बनना चाहता था जो किराए का, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है सिंस ही चोज नॉट टू बी अ हायरिंग स्क्रिबलर। स्क्रिबलर हायरिंग स्क्रिबलर का मतलब, स्क्रिबलर का होता है मतलब घसीट कर लिखना वैसे तो, और हायरिंग का मतलब होता है पेड। तो ये नहीं चाहता था कि मैं किसी कोई मेरे को पे करे और मैं कुछ भी लिख दूँ, ये ऐसा नहीं चाहता था। ये अपनी लाइफ में हमेशा इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, पोप डिपेंडिंग ऑन हिज वर्क अट्रैक्टिंग ए मार्केट, अपने वर्क के लिए डिपेंडेंट रहना चाहता था ना कि लोगों के लिए। तो फॉर्चुनेटली इसने मार्केट में पकड़ भी बनाई रखी थी, तो कोई डेफिनेटली दिक्कत नहीं थी। अब मैंने आपको बताया कि अगर इतनी ज़्यादा बुक सेलर्स हो जाएंगी तो इंटेंस कॉम्पिटिशन तो होगा ही लिटरेरी मार्केट में। तो यार था क्या, बेसिकली सेल्फ एडवर्टीजमेंट करना पड़ता था पोप को, समटाइम्स वीसीसीएस क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू हिज वर्क मिलती थी, कुछ रिस्पॉन्सेस क्रिटिकल रिस्पॉन्स मिलने लगे इसकी वर्क को। इफ वीमेन राइटर्स, अब देखो ये जो वीमेन राइटर्स अगर कुछ थे नेसेसिटी और एम्बिशन डेयर टू पब्लिश, जैसे अगर उन्होंने हिम्मत करी अगर पब्लिश करने की, जो वीमेन राइटर्स की कंडीशन बताई गई है यहाँ पे, जैसे एलिजा हेवर्ड है, कैरोल्ट चार्क है, सुसाना स्कैंड्रिवल है, दे वर इमीडिएटली स्लैंडर्ड एज मॉरली डिसरेप्यूटेबल, उसे बदनाम किया जाता था उन्हें। अगर कोई लड़कियां लिखती थी या फिर वीमेन कोई भी नॉवल लिखती थी तो उन्हें बदनाम कर दिया जाता था बिफोर देयर पब्लिकेशन ऑफ द वर्क। द ऑडियंस फॉर राइटिंग ऑल्सो वाइडन टू लैटिन न्यू सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग दोज प्रीवियसली काउंटेड अमंग द वल्गर। अब जो वल्गर बोले जाते थे वो उनकी भी एक सोशल ग्रुप बन गया भाई पब्लिश करने का, मतलब इनको राइटिंग वर्क का। न्यू अर्बन कल्चर विच मर्चेंट्स एंड जेंट्री शेयर्ड वॉज डेवलपिंग इन, जो जो ये मर्चेंट्स थे और मोस्ट पावरफुल जो सोसाइटीज के पार्ट्स थे वो ऐसे लोग, उन्होंने शेयर्ड वाज डेवलपिंग एंड अकॉर्डिंग टू सुसैन स्टेव्स। सुसैन स्टेव्स क्या कहते हैं इसके बारे में, पोप पोइट्री इज अ न्यू पोइट्री सूटेड टू न्यू क्लास। अब न्यू क्लास जो थी उसको ये काफ़ी सूट आ रही, पसंद आ रही थी, ठीक है। तो बेसिकली द मैनी पैरेलल्स बिटवीन द रेप ऑफ द लॉक एंड द टॉर्टर एंड द स्पेक्टेटर सजेस्ट दैट बोथ वर्क एंड। अब जो कुछ चीज़ की ये थी रचनाएं थी एलेक्जेंडर पॉप की, तो ये मतलब सेम टाइप ऑफ रीडर के बारे में शो कर रही थी, ठीक है। मैक्सिमम जो इसकी रीडर्स थी स्पेशली द रीडर्स वर दी अर्बन एलिट, ठीक है, थ्रू परहैप्स इंक्लूडिंग द काइंड ऑफ पीपल मेंशन बाय पोप्स फ्रेंड गे इन ट्रिविया। पोप के फ्रेंड ने जो लिखा था तो इसी से देखा जा सकता है इस लाइन से कि बेसिकली कौन कौन इसके फैन थे या फिर कौन इसके ऑडियंस थे, ठीक है। तो ये कहता है कि जो विमेन थी वो ज़्यादा रीडर थे इसकी। हिज ओन वर्क शोज दैट ही एक्सपेक्टेड एंड कैटर्ड फॉर अ फीमेल रीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल आप रेप ऑफ लॉक पढ़ोगे तो ये भी एक लेडी के बारे में लिखा गया है, बेलिंडा, रियल लाइफ स्टोरी थी, बेलिंडा के ऊपर लिखा गया, तो मतलब फीमेल रीडरशिप है ज्यादातर मिल जाएंगी आपको। जो इसकी इलियड की ट्रांसलेशन थी, ठीक है, विद इन द रीच ऑफ वीमेन रीडर्स, तो इसने देखो अब जो इलियड था होमर इलियड आपको पता ही होगा कि भाई कितनी बड़ी 15,000 लाइन्स में लिखी गई है, प्लस ये ऐसी इंग्लिश नहीं थी जो आज हमने पढ़ ली,
पेंगुइन एडिशन में जो है वो ऐसी नहीं थी एडिशन कि हमने पढ़ ली भाई मुंह उठा के, ये कुछ अलग ही ग्रीक माइथोलॉजी का है, तो डेफिनेटली कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखी गई थी। लैंग्वेज मतलब इन द सेंस जो कॉमन मैन को ना समझ आए, तो बाद में ऐसे ऐसे लोगों ने मान लो पोप ने ट्रांसलेट करा इवीरियो, वैसे तो जो अच्छी और ट्रांसलेटेड वर्जन थी इवीरियो था, मे बी इवीरियो था उसका। बाकी यहाँ पे देखो पोप ने सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करी थी ट्रांसलेट करने की, तो अच्छी नहीं थी, बट स्टिल इतना तो हुआ कि ये वीमेन तक पहुँच गया, तो मतलब वीमेन भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही थी रीडिंग्स में कह सकते हो आप। उसने काफ़ी कुछ और भी पोएम्स लिखी थी। अब जैसे आपका रेप ऑफ लॉक एरबेला फेरमर के बारे में है, जो कि बेलेंडा, इसका निकनेम बेलेंडा होगा उसमें स्टोरी में, तो मतलब देख सकते हो विमेन और दी मोस्ट ऑफ दी इसकी जो पोएम्स, मेमोरी ऑफ एन अनफॉरगेटेबल लेडी, एलेस डे ब्लड, इन दी पोस इन बोथ दी पोएम्स प्रोटेक्टिंग द विमेन, तो मतलब विमेन के बारे में ही ज़्यादा इस देखने को मिल जाएगा इसके वर्क में। ठीक है, तो जो ये है जो अब रेप ऑफ लॉक में जो ये हमारा ये क्या कहते हैं इसे प्रीफेस है या फिर प्रोलॉग कह सकते हो, प्रोलॉग सॉरी, तो ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद कि भाई हम सेक्सिस्ट विचारधारा मतलब वी मीन्स मतलब हम जो फीमेल सेक्स है उसको हम छोटा मानते हैं, तो ऐसा लगेगा इसकी इसको पढ़ने के बाद, बट ऐसा नहीं है। ये इसने यहाँ पे बेसिकली इमोडरेट फीमेल प्राइड के बारे में बताया गया कि यार जो अत्यधिक घमंड होता है फीमेल में इसके बारे में बताया गया है, तो मतलब इस विचार को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि यार हम सेक्सिस्ट हैं, मतलब वीमेन को छोटा मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एंटी फेमिस्ट मच माइल्डर देन, मतलब अब किसी ने ये कहा इसके वर्क्स को सेटायर की फॉर्म में अगर इसको पेश किया जाए, तो किसी ने इसके वर्क को देखने के बाद ये कहा कि एंटी फेमिनिस्ट नहीं है, जिसे जैसे कि दूसरे राइटर्स लिखते थे इस एज में, बट हाँ थोड़ा बहुत है, माइल्डर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट, देखो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, सिंस द रेप ऑफ द लॉक इज अबाउट अ वुमेन एंड पार्टली एड्रेस टू अ वुमेन, इट इज वर्थ लुकिंग फॉर अ मोमेंट एट पॉप्स एटीट्यूड टू द फीमेल सेक्स। तो आपको जब ये पढ़ोगे तो फीमेल सेक्स के बारे में पता ही लग जाएगा कि क्या सोचता था, इसका एटीट्यूड क्या था इसके बारे में। अब पॉप के बारे में पढ़ लेते हो थोड़ी सी, इस लाइफ के बारे में, तो पॉप था क्या, पॉप बड़ा ही छोटा सा था और ये एक ट्यूबरकुलोसिस के कारण एक पोट्स नाम की डिसीज से परेशान था, मतलब वो कह सकते हो इसको डिसीज थी वाली, और जिसके कारण इसकी हाइट रह गई वो सिर्फ 4.6 इंचिस रह गई, 4 फुट 6 इंचिस, जिसके कारण ये इसके बैक में हंस था, तो इसको बेसिकली वाइफ मिली नहीं, वाइफ जो थी मतलब कोई इसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, यार इतना छोटा, काफ़ी छोटा हो जाता है ये तो। कुछ कुछ ने इसे डेनिस फॉर एग्जाम्पल हिज एनिमीज रेगुलरली पिक्ड ऑन हिज डेनिस फॉर एग्जाम्पल, उसने इसको हंचबैक बोला, लेडी मारी मेरी वोटली मोन्टेगू ने हुज पोप हैड वंस इंटेंसली एडमायर, जिसको पोप ने एडमायर किया था एक बार, उसने ये कहा कि व्रेच्ड लिटिल सरकास, सरकास होता है वैसे तो लास्ट, बाकी देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसी क्रिटिक पास की गई उसकी डिफॉर्मिटी को लेके। ठीक है, तो आफ्टर एलेक्जेंडर पोप क्या कहता है कि लाफ अपने आप पे एक बार हंसता है कि समटाइम्स ही क्लेम्स दैट बीइंग विदाउट सन और वाइफ इज मैटर ऑफ इंडिफरेंस टू हिम, मतलब ये इंडिफरेंस है कि कभी तो बिना सन के और बिना वाइफ के, मतलब अजीब सा लगता है ये सुनने पे। इन हिज यूथ ही अफेक्टेड द रेक, राइटिंग इन अर्ली लेटर्स टू मेल फ्रेंड्स अबाउट द वन और टू डोजन वीमेन ही नीडेड फॉर हिज ऑर्डिनरी ओकेजन्स, एंड इन अ पोएम प्रिटेंड्स दैट ओनली व्हेन ही हैज लेफ्ट टाउन कैन द हेरोल्ड स्लीप इन पीस। टू हिज फ्रेंड्स दी ब्लाउंड सिस्टर ही इज परहैप्स मोर सीरियस। अब ब्लाउंड सिस्टर के बारे में अगर आप बात करें हम, तो ये थोड़ा सा बहुत इसको अट्रैक्शन हो गया था इनसे। ठीक है, दिस एंड हिज एम्फेसिस ऑन प्लीजिंग इन मैनी वेज इन हिज पोएट्री सजेस्ट दैट ही फेल्ट कीनली हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड दैट इज हिज टैलेंट एंड एंड विट हैड इन सम मेजर टू कंपनसेट। अगर इसकी एक्सक्लूजन थी नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप से, तो लेकिन इसकी जो कमी को ये पूरा कर देता था, कौन पूरा कर देता था, विट हैड इन सम मेजर टू कंपनसेट, जो इसकी बुद्धिमत्ता थी वो इसको कंपनसेट कर देता था। ये जो ब्राउन सिस्टर थी ये टेरेसा एंड मेयर था, इसको थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया था, इस फीलिंग्स पर मोर इंटेंस देन मियर फ्रेंडशिप, तो ज़्यादा फ्रेंडशिप से थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्शन थी इसको जस्ट फ्रेंडशिप ना होके। ठीक है, और अगर देखें यहाँ पे एंड द प्लीजर्स ऑफ लंदन, हर हर सिस्टर मर्था जो ये थी टेरेसा की सिस्टर मर्था थी, मोर मोडेस्ट और सोबर थी, फॉर हर पोप डेवलप्ड अ डीप अफेक्शन दैट लास्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, देर वॉज अ इवन मेलिशियस रूमर्स ऑफ लिएशन और सीक्रेट मैरिज बिटवीन द टू, मतलब ये माना जाता है कि इन्होंने सीक्रेट मैरिज कर रखी है।
ठीक है, इट इज मर्था दैट पॉप एड्रेसेस टू द एपिस्टल टू अ लेडी. इसने इसके लिए कह सकते हो एपिस्टल टू अ लेडी भी लिखा है इसने, सॉरी, वेर ही प्रेजिस हर एज अ सॉफ्ट मैन विद सेंस ऑफ गुड ह्यूमर. ठीक है ना, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे. उसके बाद इट इज टू मार्था दैट, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया, हु क्लेम्स. ठीक है, तो कई बार ना ये भी बताया गया कि जो यहाँ पे जो ये था बेलिंडा जो इस्तेमाल किया गया है, तो सेम जो बाल थे, ही ऑल्सो नोट एज अ टेरेसस डार्क कर्लिंग लॉक ऑफ हेयर विजिबल इन हर पोर्ट्रेट. तो टेरेसा की, टेरेसा मर्था नहीं है जिससे उसने सीक्रेटली मैरिज की बात, उसकी अफवाह फैल रही थी, टेरेसा की बात कर रहे हैं, तो उसने उसका भी पोर्ट्रेट अपने रेप ऑफ लॉक में किया है, क्योंकि बेलिंडा के भी ऐसे ही बाल थे जैसे कि टेरेसा के थे, डार्क कर्लिंग लॉक ऑफ हेयर. लॉक होता है गुच्छा कह सकते हो आप. ठीक है, मतलब ये थी इसकी चीज़ें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है. पोप पोप कॉल्स वीमेन दे सफरिंग सेक्स और रेफर टू दे डोरी. मतलब पोप ना हमेशा वीमेन को सफरिंग सेक्स माना जाता कहते था कहता था क्योंकि यार हमेशा वीमेन को सफ़र करना पड़ता था. इसके हिसाब से इज ऑल्सो मोर सिंपैथी विद द वोज ऑफ मैरिड वीमेन देन मैन इन हिज टाइम. मतलब सिंपैथी क्रिएट करता था उनके लिए. पोप वार्मली सपोर्टेड सम वुमेन हुज हस्बैंड्स मिसट्रीटेड. अब किसी ने उसके उनके हस्बैंड को मतलब उनके हस्बैंड ने उनसे मिसट्रीट किया, तो ये उनको सिंपैथी दिया करता था बाय हिज राइटिंग वर्क्स कह सकते हो बहुत तरीके से. ठीक है, तो वही है इसमें कि पोप की जो फीलिंग्स थी अबाउट वीमेन ये यहाँ पे दिखाया गया है, और ज़्यादा खास नहीं है इसमें. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ी बहुत बुक के बारे में बताया गया. तो रेप ऑफ लॉक में जो ये बेलिंडा को है, पहले तो ये कंपेयर करता है सूरज से, लेकिन वहीं पे बात बाद में जब आती है कि भाई इसको सूरज के बारे में तो बोलता है, बट ये भी कहता है कि यार ये जो सूरज की बीम है वो राइवल है इनके लिए, तो वही ये इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे. तो बेसिकली ये था फ्रेंड्स आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा मेरी ये वाली वीडियो. एंड इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में मैं क्या बताऊंगा आपको, पार्ट नंबर 2 में समरी मिल जाएगी इस नोवेल की. ठीक है, पार्ट थर्ड में ऑगस्टन एज और या फिर पॉप्स एज के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि इस एज में था क्या. तो फिलहाल तत्काल के लिए बाय. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में और क्लास व्हाट्सएप ग्रुप्स में. और अगर आपको ये वीडियो गंदी लगी तो डिसलाइक कर दो. और आपका अगर कोई सुझाव है, कोई कंप्लेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो. आई होप दैट नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे. सो फ्रेंड्स बाय. ये नोवेल पढ़ना आप, ये पोएम द रेप ऑफ द लॉक, आई थिंक दैट बहुत अच्छी नोवेल लिखी है इसने. तो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे.